राजगढ़ जिले में बच्चे चोर की अफवाहें कुछ इस तरह फैल चुकी है कि अब इनसे न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण इलाके में भी इनका जोर बढ़ता ही जा रहा है। एक माह के अंदर जिले में बच्चा चोर समझकर चार जगह अनजान व्यक्तियों से मारपीट कर उन्हें पुलिस को सौंपा गया। राजगढ़ के हाईवे से मछली बाजार के पास कुछ लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति को देखा, जिसके बाद उससे पूछताछ कर भीड़ ही ने निर्णय ले लिया कि कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर बोलते हुए पीटना शुरू कर दिया। जब यह बात पुलिस तक पहुंची तो डायल 100 से उसे कोतवाली लाया गया, जहां पर वह एक मंदबुद्धि निकला। इसी तरह करणवास थाने में झकरिया में चार दिन पहले एक मामला सामने आया, जिसमें दो बाइक सवार लोगों को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर इतना मारा कि उन्हें दो दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा। इस मामले में वीडियो भी वायरल हुए थे। कुछ लोग एक व्यक्ति को बच्चा चोर बता रहे थे, लेकिन वह पागल था, उसे छोड़ दिया गया। रही बात किसी के द्वारा उसे पीटने की, तो यह नहीं बताया गया। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये तो एक अफवाह चल रही है, लोगों के मन में ऐसी शंका है कि बच्चे पकड़ने वाले कहीं घूमे हैं। ये लोगों की शंका निराधार है। अभी आज एक पागल था जिसको लोगों ने घेर रखा था बल्डी पे, हमने उसको पुलिस पहुंची लेके आया, तस्दीक किया, तो वो पागल व्यक्ति था और उसको लोग कह रहे थे बच्चा चोर है। तो लोगों में ये अफवाह है। अगर ऐसी कई घटना ऐसा कोई आदमी मिलता है तो पुलिस को सूचना दें, हम तस्दीक करेंगे। अगर वाकई में ऐसा आदमी है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है कि जो बच्चा चोरी कर रहा है, लोगों में अफवाह है, ऐसी कोई सूचना होगी तो पुलिस को सूचना दें, पुलिस जाएगी, तस्दीक करेगी, कार्रवाई के लायक होगा, कार्रवाई बिल्कुल करेगी। ऐसी अफवाह पे लोग ध्यान ना दें। ऐसी अफवाह अक्सर लोगों द्वारा झूठी फैलाई जा रही है, और अभी जो तस्दीक किया वो बिल्कुल अफवाह झूठी थी। लोग उसको घेर लिए थे ज़बरदस्ती, और वो मंदबुद्धि पागल व्यक्ति था। तो हमारा लोगों से निवेदन है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, और ऐसी कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को खबर करें, पुलिस पहुँच कर उसको तस्दीक करेगी, और ऐसी कोई घटना मिलती है तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करने